कानपुर। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। कानपुर के नजीराबाद थाना अंतर्गत युवक के साथ हुई लूट, युवक के साथ जमकर की मारपीट और चैन लूटी। कई आपराधिक मामले पहले से ही हैं दर्ज। अभी दो दिन पहले ही 151 में नजीराबाद पुलिस ने किया था चालान। देशी तमंचा लहराते हुए कई वीडियो और फोटो भी हो चुके हैं वायरल। लुटेरे अपराधी का नाम शेरू सिंह चौहान, नजीराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित अमित कुमार अपनी फरियाद लेकर पहुंचा नजीराबाद थाने। मामला में युवक शेरू सिंह चौहान जो कि नजीराबाद से 376 का अपराधी है, किसी ने कोई खबर चलाई थी और मैं अपने भांजे को वहाँ पर चॉकलेट दिलाने गया था। ये अपने अन्य साथियों के साथ जो कि अनिल वर्मा सुनील मानू सिंह जो तमंचे डिस्को पे एक वीडियो वायरल हुआ था, ये सब आए और लाठी डंडों से मुझे पीने लगे और हमारी 1.5 तोले की चैन भी चली गई। हमारा भांजा जो घबरा गया था मैंने उसको अपने घर भिजवा दिया, लेकिन इन लोग जबरन उसको मारने लगे। वहाँ पर कई CCTV फोटो लगे थे। मैंने 3 दिन पहले चौकी इंचार्ज को आगाह भी करा दिया था कि मेरे ऊपर जाएगा हमला होगा, लेकिन चौकी इंचार्ज ने ये कहा था कि मैं मामला निपटवा दूंगा। लेकिन आज वो तमंचा लेकर के आए, अगर मेरे ऊपर कोई भी घटना होती थी तो इसमें चौकी इंचार्ज का ही पूरा रोल था। अच्छा, आप इतनी देर से थाने आए हुए हैं, कितना टाइम हो गया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? 1 घंटा हो गया। पहले ये चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह जो है वो पहले अपराधी के घर गए, फिर हमारे पास आए। अपराधी इनके सामने से निकले, लेकिन इन्होंने पकड़ा।